आधार की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है, जिसका उपयोग करके आप खुद से अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के द्वारा नाम, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि, जेंडर, पता यानी एड्रेस और अपने लैंग्वेज जो कि आपके एरिया में उड़ीसा, तमिल, मलयालम जो भी लैंग्वेज चलती है उसके अनुसार आप अपने आधार कार्ड में अपडेट कर पाएंगे खुद के द्वारा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। इंटरफेस आपके सामने इस तरह का रहेगा। यहाँ पर आप 12 डिजिट का अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद में जो कैप्चा दिया हुआ है वो एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पर गया है उसको आप स्क्रॉल करके यहाँ पर एंटर ओटीपी पर क्लिक कर देंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने लैंग्वेज, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल का चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसका मतलब आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और बाकी सब में नहीं करने होंगे। हमारे केस में हम यहाँ पर नाम, जेंडर, एड्रेस ये सब परिवर्तन कर सकते हैं एक ही बार में, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ अभी नाम और डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन करना है, तो हम सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ को ही सेलेक्ट रहने देते हैं। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाएगा। इसमें लिखा है कि नाम में सिर्फ आप पूरी ज़िंदगी में 3 ही बार परिवर्तन करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 1 बार, वहीं लिंग यानी जेंडर में भी सिर्फ आप 1 ही बार परिवर्तन करवा पाएंगे पूरे जीवन में। ये बात आपको ध्यान रखना है, चाहे आप खुद करें या आधार सेंटर से करें। साथ में जो परिवर्तन कर रहे हैं उसके लिए करस्पॉन्डेंट डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। यस, आई एम अवेयर ऑफ दिस पर टिक करेंगे और पोस्ट प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नेम वाले ऑप्शन पर हाईलाइट आपको दिख रहा है, इसका मतलब और आपको यहाँ पर करंटली इन आधार में आपका नाम जो है वो शो होगा और हिंदी में भी आपको शो होगा कि हिंदी में आपका नाम क्या है। अब इंटर द डिटेल में आप अपना करेक्ट नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक हिंदी में उसको डिटेक्ट कर लेगा यानी आपकी लोकल लैंग्वेज में। उसके बाद में यदि उसमें कोई परिवर्तन आपको करना है यानी कि हिंदी वाला नाम आपको गलत लग रहा है या फिर आपकी लैंग्वेज वाला, तो आप उसको बदलेंगे और हिंदी इनपुट टूल्स के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा और हिंदी इंडिक कीबोर्ड के द्वारा आप अपने मोबाइल में परिवर्तन कर पाएंगे। तो इस तरह से जो आपको सही लगता है वो हिंदी आप नाम कर लेंगे। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, वही नाम आपका पैन कार्ड में होना चाहिए जो आप यहाँ पर बदलना चाह रहे हैं, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड कर दिया है, चाहे तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने डेट ऑफ बर्थ पर हाईलाइट दिख रहा है, यहाँ पर आप सभी को जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो दिख रही है। अब यहाँ पर आप अपनी जो अब आपको डेट ऑफ बर्थ करवानी है वो आप यहाँ पर चयन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके आप अपना ईयर चयन करेंगे, उसके बाद मंथ चयन करेंगे, मंथ में उस तिथि का चयन करके डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देंगे जो आपको सही करवाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में आप सेलेक्ट करेंगे मार्कशीट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या फिर गजेटेड ऑफिसर एक जो वर्ग एक के होते हैं उनके द्वारा साइंड लेटर हेड भी यहाँ पर चलेगा। हम यहाँ पर पैन कार्ड ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पैन कार्ड को हम अपलोड कर देते हैं। साइज उसकी आपकी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG, PNG या PDF आप अपलोड कर सकते हैं। प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे, आप सभी के सामने प्रीव्यू आ जाएगा कि आपने क्या करेक्शन किया है और क्या डॉक्यूमेंट लगाया है। जो जो आपने करेक्शन किया है उसके अनुसार यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। कैप्चा कोड आपको यहाँ पर इंटर करना है कैप्चा कोड वाले ऑप्शन में, उसके बाद में आप सभी को सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। ये सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। आई हियर बाय कन्फर्म डेट आप करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा आप पेमेंट कर पाएंगे। डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में आप डेबिट कार्ड नंबर, CVV और उसकी एक्सपायरी इंटर करके नाम डालेंगे तो आपको एक URN नंबर मिल जाएगा 14 डिजिट का, उससे आप बाद में स्टेटस चेक कर पाएंगे। 4 से 5 दिन में आपका आधार अपडेट हो जाएगा, आप इसकी प्रिंटआउट निकाल पाएंगे। 50 रुपये का आपका इसमें चार्ज कम होगा। फिर से आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे और जो आपको URN नंबर मोबाइल नंबर पर आया है 14 अंक का, इस चेक अपडेट स्टेटस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको आधार नंबर, URN नंबर जो आपके मोबाइल पर आया है या फिर आपको जो रिसिप्ट मिली है पेमेंट करने बाद में, वो यहाँ डाल के आप चेक कर सकते हैं।